बाहर निकले जाए काफी ज्यादा अमेजिंग गेम, बट उससे पहले मैं आपको चालू करना चाहता हूं नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिला होगा उसको दबाओ। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एंड काफी ज्यादा ट्रिकी पजली गेम। तो बेसिकली इस गेम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे जो कुछ ट्रिक्स भी होने वाले हैं, काफी ज्यादा पजली भी होने वाले हैं, हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है और हमें बिल्कुल ट्रिक के साथ आंसर देना पड़ेगा क्योंकि यार ये गेम बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो इस गेम का नाम ही ब्रेन टेस्ट है। आप समझ चुके होंगे कि इस गेम में हमारा पूरा फुल हमारा ब्रेन टेस्ट होने वाला है। तो ओके गाइस हम गेम में आ चुके हैं और अगर आप ध्यान सुन रहे हो तो यहां पर काफी ज्यादा अमेजिंग बैकग्राउंड चल रहा है जो हमारे गेम का बिल्कुल मूड बना रहा है और अभी हम गेम को स्टार्ट करते हैं फिलहाल। लेट्स गो गाइस। तो ओके गाइस हम लेवल 1 में आ चुके हैं। व्हिच वन इज द बिगेस्ट, कौन से यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं इनमें सबसे ज्यादा बिगेस्ट कौन है। तो यहां पर हम 5 एनिमल्स हो रहे हैं और हमें इन 5 एनिमल्स बताना है कि कौन सबसे ज्यादा बिगेस्ट है। तो फर्स्ट एलिफेंट है, देन लायन है और यहां पर एक रैट या माउस जो भी कह सकते हो वो है और यहां पर जैब्रा भी है और यहां पर एक पेड़ के डाली में पेड़ के ब्रांचेस में एक लटका हुआ एक स्लॉथ बियर है एंड सबसे बड़ा अगर पिक्चर में देखा जाए तो लायन है बट अगर हम एक्चुअली देखें तो सबसे बड़ा एलिफेंट होता है। तो हम एलिफेंट पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे आंसर बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है। तो गेम हमसे एक लेवल ज्यादा होशियार है और अभी मुझे लगता है इसका आंसर लायन होने वाला है। लेट्स गो टू लायन। लेवल 2 हाउ टू ब्लॉसम दिस फ्लावर। तो यहां पर एक फ्लावर है जो मुरझाया हुआ है, हमें इसे उगाना है या फिर कैसे ब्लॉसम करना है। तो शायद हमें इन क्लाउड्स को हटाने होंगे और यहां पर सूरज आ गया और हमारा लेवल पास सिंपल। लेवल 3 पुट द एलिफेंट इन द फ्रिज। तो यहां पर एक एलिफेंट है और यहां पर फ्रिज है तो हमें इस एलिफेंट को इस फ्रिज में डालना है। तो आई थिंक मुझे इसके डोर को ओपन करना होगा। ये ओपन हो चुका है और हमें एलिफेंट को लेना है और उसको डाल देना है। भाई पता नहीं क्या था इसमें लॉजिक नहीं था। चलो गाइस नेक्स्ट वन लेवल चलते हैं। लेवल 4 व्हिच वन इज क्लोजेस्ट टू अस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमसे क्लोजेस्ट कौन है। तो अगर हम ध्यान से तो मैं बैठा हूं उससे क्लोजेस्ट तो भाई सन होने वाला है बट सन रॉन्ग है। तो इस गेम का लॉजिक बड़ा मतलब अलग लेवल का लॉजिक है तो हमें ध्यान से इस गेम को खेलना पड़ेगा। तो क्या क्लाउड है इसका? नहीं। तो जितना मुझे लग रहा है शायद अर्थी होगा और यहाँ पर मैं मतलब ऐसे डाल देता जो ऊपर लिखा होता ना उससे हमें बताना था कि उससे पास क्या है और हमारा गेम भी पार हो गया। चलो गाइस नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। लेवल 5 हाउ मेनी पिज्जा स्लाइसेस डू वी हैव। तो यहाँ पर कुछ पिज्जा स्लाइसेस हैं और हमें पूछा गया कि हमारे पास कितने ज्यादा पिज्जा स्लाइसेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्लाइसेस हैं। 5 स्लाइसेस सबमिट कर देते हैं बट ये रॉन्ग है। तो देखो जो दिखता है वो होता नहीं इस गेम में और इस गेम का तो लॉजिक तो भाई अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पर हम इस पिज्जा को हिला भी सकते हैं तो हम इस पिज्जा को हिला देते हैं और नीचे से पिज्जा निकल रहे हैं मतलब इसके नीचे भी छुपा हो सकता है पिज्जा। और अभी अगर मैं टेस्ट कर लेता हूं तो टोटल मैंने यहाँ पर निकाल दिया अभी लगता है फाइनल है। तो हमें देखना है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर टोटल 9 है तो इसमें सही होना चाहिए। लो चलो गाइस ये वाला सही हो चुका हमारा। चलते हैं नेक्स्ट लेवल में। लेवल 6 आई ओवरटूक द सेकंड प्लेस्ड रेसर व्हाट इज माय पोजीशन। सो यहां पर मैं यहां से हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हम रेस में हमने सेकंड प्लेस स्कोर किया है और हमारी पोजीशन क्या होने वाली है तो ऑब्वियसली वाला सेकंड ही होगा। तो यहां पर टिक करते हैं सिंपल। लेवल 7 स्लाइड लेफ्ट टू अनलॉक। ये तो बिल्कुल सिंपल था और ऐसे हो गया। लेवल 8 फीड द कैट प्लीज ही इज हंग्री। तो यहां पर कैट है जो रो रहा है और इसको भूख लगी है और हमें इसे खिलाना है बट बीच में हमारे यहां पर काफी ज्यादा कांटे वाला बाउंड्री और हमें यहां से पार करके इसको कैसे खिलाना होगा। तो क्या मैं दूसरे को हिला सकता हूं? यस गाइस हमें दूसरे को हिला सकते हैं। हम बिल्ली को ले सकते हैं? नहीं। तो हम कैसे खिलाएंगे? क्या हम एक मिनट गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गेम में जो दिखता है वो होता नहीं है तो क्या हम इस बिस्किट को अगर यहाँ पर जो वर्ड है कैट वाले वर्ड वहाँ पे ले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा? यस गाइस। लेवल 9 वेयर इज द ग्रीन बॉल। तो यहाँ पर तीन बॉल दिखा है। यहाँ पर तीन बॉल है, रेड है एक ब्लू है मतलब स्काई ब्लू टाइप का कह सकते हो नियॉन ब्लू जो भी आप कह सकते हो और एक येलो है। तो यहाँ पर इसके नीचे होने वाला नहीं। तो क्या हमें करना है? हमें पूरी बात समझ आ चुकी है यहाँ पर क्या करना है हमें। तो हम जब पहले आर्ट एक्टिविटी स्कूल में तो हमें कलर मिक्स करके नया कलर बनाया था तो कुछ इस तरह का भी हो सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ब्लू और येलो का मिक्स करते तो ग्रीन हो जाएगा। बेसिक का तो ये कलर मैच है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। लेवल 10 व्हाट इज अनयूजुअल इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पर पिक्चर है जहाँ पर पार्टी चल रही है हमें अनयूजुअल बताना है सबसे ज्यादा अलग बताना है। तो यहाँ पर सबसे सब सिमिलर ही लग रहा है बट अगर ध्यान से देखो ये राइट साइड में जोकर डांस कर रहा है। इसके जो अगर हम फिंगर को नोटिस करें तो इसके फिंगर है 6 फिंगर है हमारे मतलब इसके राइट हैंड में 6 फिंगर है। तो आई थिंक यही अनयूजुअल है तो भाई बिल्कुल सिंपल था और ये सही था। लेट्स गो नेक्स्ट। ही हैज 6 फिंगर। लेवल 11 व्हिच वन इज लॉन्गेस्ट। अब आप लोगों को लग रहा होगा जो मतलब सबसे ज्यादा डेज होते हैं सबसे ज्यादा लेटर चलता है सबसे ज्यादा देर तक चलता है वही इसका आंसर होगा बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला था इस गेम में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो गाइस यहां पर हमें ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है कि भाई कौन सी लॉन्गेस्ट होने वाला है क्या कुछ होने वाला है बस इसमें हमें ये बोला गया कि व्हिच वन इज लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा लंबा क्या है। तो ऑब्वियसली बात है हमें अल्फाबेट देखना होगा। अगर मार्क देखा तो भाई मार्क बिल्कुल मिडिल में है और मेरे सबसे छोटा है फैमिली होने वाले फैमिली के जो अल्फाबेट्स है वो ज्यादा है या फिर कैसे तो लेटर ज्यादा है। यहां पर साफ से दिखा चुका है फैमिली हैज द मोस्ट लेटर यू सी। नेक्स्ट करते हैं कैच 5 फॉलिंग एप्पल। ओके गाइस तो हमें फॉलिंग एप्पल को कैच करना है तो जल्दी जल्दी कैच करना है। लेट्स गो। तो ओके गाइस हमारी लेवल 5 पे बहुत ज्यादा और मेहनत करने के बाद अभी लेवल कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था बट इस लेवल में दिमाग मतलब हमें अपने हैंड को बहुत ज्यादा फाटी चलाना था और मोबाइल में याद समझ सकते हैं मोबाइल कितना हार्ड होगा इसको पार करना। लेवल 13 हम मस्ट जंप टू अदर साइड। तो यहां पर कैच इसका नाम टॉम लिखा हुआ है और इसको यहां से जंप करना है और यहां पर नीचे मतलब ये जो दो आइलैंड आप कह सकते हो इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो हमें इसे पार करना है। क्या हम स्पीड ग्राफ से नहीं तो हम जंप करने पर जंप कर देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो आई थिंक कुछ तो करना होगा। यहां पे मशरूम भी है क्या हम मशरूम खिला सकते हैं? ये बड़ा हो गया अभी उतर जाएगा सिंपल। तो अलग ही लॉजिक है गेम के। लेवल 14 टर्न इट ऑफ टू डेंजरस। तो यहां पर एक मिक्सर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें सीजर दिया गया है क्या हम सीजर को काट सकते हैं? एक मिनट गाइस यहां पे बटन है तो हम बटन को ऑफ कर देते हैं। खत्म गाइस बहुत इजी था मतलब घटिया सा 4+5 × 5 − 2। तो एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन होंगे अगर हमें मैथ्स लर्न तो आप इसे इजीली सॉल्व कर दोगे। बाकी तो देखो 4+5 क्या होता है पता है 9 ऑब्वियसली 9 × 45 − 2 ऑब्वियसली 43 होने वाला है। तो एक बार देखते हैं 43 करके वॉन्क। तो वैसे आपको क्या याद है कि यूट्यूबर काफी सोशल मीडिया में एक फॉर्मूला बहुत वायरल हुआ था जिसका नाम डी मास। आई थिंक यहां पर डी मास को यूज करना होगा। डी मास का फुल फॉर्म है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सबट्रैक्शन। तो यहां पर कोई डिवीजन वाला नहीं है तो पहले हमें डी मास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मैं पहले तो 5 × 5 = 25 होगा देन एडिशन करना होगा 25 + 5 करने से हमारा आंसर आएगा 29। 29 − 2 करने से हमारा ऑब्वियसली आंसर आएगा 27। तो गाइस 27 करके देखते हैं 27 सही आंसर। ओके गाइस हमारा आंसर सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेवल 16 टैप देम इन ऑर्डर। तो यहां पर 149 85 7 11 101 करना है तो कर लेते हैं 5 7 11 101। तो ये बहुत इजी था। हमें याद करना था कि जो भी डिजिटल लिखा था हमें याद करना था और फिर हमें आंसर देना था। तो आज के बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आएगी वीडियो लाइक जरूर करना। इस वीडियो पे एम करने से 100 लाइक तो गाइस फटाफट जाओ इस वीडियो पे। इस वीडियो पे लाइक करके गोल कंप्लीट कर दो तो आज के बस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।